हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुतुस किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी, बेसन और ढेर सारे वेजिटेबल का चटपटा क्रिस्पी नाश्ता, जो आप कभी भी बना के खा सकते हैं। बनाने में काफ़ी आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको बनाने के लिए एक बाउल में लेंगे आधा कप सूजी, आधा कप बेसन, 1/4 टीस्पून हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के स्मूथ बैटर तैयार करना है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जिससे लम्स ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप पानी का यूज़ किया है, तो सूजी और बेसन जितना हो उससे डबल पानी लेना है। बैटर बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है, तो इसी तरह से बैटर रखना है हमको। आइए अब इसको कुक करते हैं। इसको कुक करने के लिए एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट। मिला लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। पेस्ट कुक हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे सूजी और बेसन का बैटर जो हमने पहले बनाया था। गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखा हुआ है और इसको लगातार चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट में ये मिक्सचर ठीक होने लगेगा। आप देख सकते हैं मिक्सचर ठीक होने लगा है, अभी लगातार चलाते रहना है। अब देख सकते हैं ये थोड़ा ठीक हो चुका है। अब इस स्टेज पे डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, जिससे ये मिक्सचर पैन में चिपक ना जाए। अच्छे से इसको मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर ठीक हो चुका है और पैन की साइड्स को छोड़ने लगा है और ये एक डो जैसा हो गया है। इसका मतलब है ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चाट मसाला, 1 टीस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून कैरेट। दो टेबलस्पून ऑनियन, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, तो मैंने रेड, ग्रीन और येलो कलर के लिए है। अच्छे से मिला लेंगे। सारे वेजिटेबल्स को मैंने फाइन चॉप किया है, आप अपने पसंद के अनुसार इसमें कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने ये प्लेट को ऑयल से ग्रीस किया है, इसमें ये मिक्सचर को डाल देना है और प्लेट में अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देना है। मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, अब इसको ठंडा करना है, तो करीब 15 से 20 मिनट में ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा हो चुका है। मेरे पास ये हार्ट शेप का मोल्ड है, इससे कट करना है। आप इसको कोई भी शेप या साइज में कट कर सकते हैं। इसको सिंपल नाइफ से भी कट करके इसके स्क्वायर पीसेस भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारी कटलेट्स बना लेंगे। अब इसको सेलो फ्राई करेंगे। तो सेलो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रखा है। ऑयल गरम हो जाने के बाद इसमें सारे कटलेट्स डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे ही रखा हुआ है, तो इसको हमें एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसको फ्राई होते हुए थोड़ी देर हो चुकी है, इसको पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो दूसरी साइड भी इसी तरह से फ्राई करना है। तो इसी तरह से उलट पलट के जब तक गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए तब तक हमें फ्राई करना है। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो चुका है, इसको इसमें से निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो जब भी कभी क्विक और चटपटा खाने का मन हो तब ये स्नैक ज़रूर ट्राई करें। आपकी पसंद की कोई भी चटनी डीप या तो केचप के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।